गुर्जर आरक्षण का मामला फिर से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा स्थित देव नारायण मंदिर में गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसे निर्णायक महापंचायत का नाम दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से कहा कि गुर्जर समाज को बार बार आंदोलन करने पड़ रहे हैं और पूर्व में भी आरक्षण के लिए 72 लोगों को शहीद होना पड़ा था। उनका कहना था कि भगवान देव नारायण मंदिर में चल रही यह महापंचायत निर्णायक साबित होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि राजस्थान पुलिस की होने जा रही भर्ती से पूर्व गुर्जर समाज कोई ठोस निर्णय ले, जिससे समाज के लोग भी पुलिस भर्ती में आरक्षण का फायदा उठा सके। आज चौथ का बरवाड़ा में महापंचायत संपन्न हुई। मुझे शायद यह निर्णय सबसे पहले निर्णय तो ये लिया गया है कि 25 दिन बाद अमरनाथ स्टेशन के पास आंदोलन होगा। उस आंदोलन का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी लीडरशिप भक्तिलाल को दी गई है सवाई माधोपुर। इसके साथ ही हमारा सरकार से अनुरोध है कि इन 25 दिनों में हमारे 5% का विस्तारण कर दें। प्रदेश में शांति चाहते मलारना में किस तरह का आंदोलन करेंगे, किस तरह से होगी महापंचायत करेंगे? शांतिपूर्ण महापंचायत आंदोलन होगा। अच्छा। इसके अलावा महापंचायत में दोनों सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। इसके अलावा सरकार में शामिल नेताओं का बहिष्कार करने की बात भी कही गई। इस महापंचायत में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, एडवोकेट शैलेंद्र गुर्जर, भूरा भगत और कैप्टन हरि प्रसाद तंवर आदि शामिल हुए। वहीं 50% आरक्षण में से ही 5% आरक्षण देने पर जोर दिया गया। इस दौरान टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सहित आसपास के जिलों से गुर्जर प्रतिनिधि शामिल हुए।